नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या वंदे भारत एक्सप्रेस दरभंगा तक नहीं चलाई जा सकती? क्या वंदे भारत एक्सप्रेस दरभंगा डिजर्व नहीं करता, मिथिला डिजर्व नहीं करता? क्या यहां पर जानबूझकर वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं लाई जा रही है? आज इसी की बात करेंगे कि किस तरह से रेल मंत्री गुमराह कर रहे हैं संसद में, और जब यहाँ के सांसद सवाल पूछते हैं तो असलियत सामने आ जाती है। तो आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, क्योंकि इसमें संसद में ऑफिशियल जवाब है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। इससे आपको पता चलेगा कि क्या सोचती है रेलवे बिहार को लेकर, मिथिला को लेकर। तो गोपाल जी ठाकुर जो सांसद हैं दरभंगा के, उन्होंने संसद में सवाल पूछा वंदे भारत को लेकर के, दरभंगा से कितना रेवेन्यू रेलवे लेती है उसको लेकर के। तो रेल मंत्रालय से जो लोकसभा के पटल पर सवाल पूछा गया 26 जुलाई को, ऑपरेशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम दरभंगा टू नई दिल्ली, तो इस पर गोपाल जी ठाकुर के सवाल का क्या जवाब दिया वो बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि सवाल क्या था। तो पहला सवाल यह था कि वेदर दरभंगा रेलवे स्टेशन जनरेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू एमंग ऑल द रेलवे स्टेशन अंडर समस्तीपुर डिवीजन। उन्होंने पूछा कि समस्तीपुर के डिवीजन में क्या दरभंगा रेलवे स्टेशन क्या सबसे ज़्यादा कमाऊ रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा सवाल उनका था वेदर न्यू सुपर फास्ट ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस स्टेशन फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स एंड इफ सो द डिटेल्स एंड रीजंस देयरफॉर। यानी कि अगर ऐसा है तो आप ये बताइए कि क्या लंबी दूरी की कोई ट्रेन पिछले कुछ सालों में यहाँ से सुपरफास्ट ट्रेन चलाई गई है या नहीं, उसकी डिटेल आप दीजिए। और जाहिर सी बात है जब चलाई नहीं गई तो डिटेल क्या देना है। तो फिर भी तीसरा सवाल था कि वेदर द मिनिस्ट्री प्रपोज टू स्टार्ट वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम दरभंगा टू नई दिल्ली या दरभंगा टू पटना, यानी कि दरभंगा से नई दिल्ली और दरभंगा से पटना के बीच कोई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है, ये सवाल उन्होंने पूछा। तीन अहम सवाल थे। तो इसका जवाब रेल मंत्री क्या देते हैं वो आपको बता देते हैं। अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया और जवाब से खुद पोल खुल गई रेल मंत्रालय की। तो ये जवाब था कि जी हाँ बिल्कुल, टोटल ओरिजिनेटिंग कोचिंग रेवेन्यू जनरेटेड एट दरभंगा रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बीच 157 करोड़ रुपया, पिछले सालाना उन्होंने बताया 157 करोड़ रुपया जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा जो जंक्शन है विच इज़ द हाइएस्ट एमंग ऑल द रेलवे स्टेशन अंडर समस्तीपुर डिवीजन, यानी समस्तीपुर डिवीजन में ये सबसे हाइएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन वाला स्टेशन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो दूसरा सवाल था कि यहाँ से ट्रेन शुरू हुई कि नहीं सुपरफास्ट ट्रेन, तो उन्होंने कहा कि 33 पेयर ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से चल रही है, जिसमें 16 पेयर जो है 16 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरभंगा जलंधर सिटी एक्सप्रेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कब किया, 15/5/2018, ध्यान दीजिएगा 5 साल पहले का वो जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा एक दरभंगा वाराणसी का जिक्र कर रहे हैं जो 4 साल पहले का है, ये 6/3/2019, ये दो ट्रेन जो है इस टेन्योर में 2014 से मोदी सरकार है, इस टेन्योर में दो सुपरफास्ट ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन दी गई। इसके अलावा दरभंगा इज़ प्रेजेंटली कनेक्टेड टू दिल्ली बाय 3 पेयर्स, ये 3 पेयर जो जोड़ी है ये दरभंगा दिल्ली का जो है वो पुराना चल रहा है, इसमें कुछ नया उन्होंने उपलब्धि नहीं है। या पटना से जो 7 पेयर वो बता रहे हैं कनेक्टेड है दरभंगा, ये भी एक दो एक्सप्रेस ट्रेन अगर देखा जाए तो दिया होगा हाल फिलहाल में, लेकिन ये भी पहले से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन्स इंक्लूडिंग वंदे भारत ट्रेन इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आगे प्रोसेस के तहत चलेगा कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस करना है, रेलवे इस पर विचार करती है। और इसका जो देखा जाता है कि सब्जेक्ट टू ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, यानी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखा जाता है, ट्रैफिक जस्टिफिकेशन देखा जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज देखा जाता है, ये उन्होंने बताया कि भाई फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि यहाँ से रूट कमाऊ है कि नहीं, ट्रैफिक ज़्यादा है कि नहीं, उस हिसाब से तय किया जाता है, तब ये पूरी ट्रेन चलाई जाती है। लेकिन अब ये जो बातें ये जो उन्होंने रखा और ये जो रेल मंत्री ने बातें रखी उसकी हकीकत क्या है वो बता देते हैं, क्योंकि अब तक जो रेल मंत्रालय ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है वो रेल मंत्री छिपा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन
चीज़ें सामने आ रही हैं और वो कैसे आ रही हैं, खुद रेल मंत्री भी देखेंगे और मिथिला की जनता भी देखे और सांसद भी देखे कि अभी जो हाल फिलहाल में गोरखपुर लखनऊ के बीच चलाई गई, क्या वो पिट गई वंदे भारत, क्योंकि 80% सीटें खाली चल रही हैं और इसके पीछे बताई जा रही है वजह किराया। किराया ज़्यादा है, इस कारण से ज़रूरत भर के यात्री भी यहाँ से नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई से गोवा के बीच में एक वंदे भारत चलाई गई थी, लोगों को वो भी पसंद नहीं आ रही है, सीटें खाली चल रही हैं और देश का ये सबसे स्लो रूट है, यानी प्लेन से भी महंगा टिकट यहाँ पर हो रहा है, 10 घंटे लगते हैं और ये सबसे स्लो रूट है, देश का सबसे धीमा रूट है, इस वजह से लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। तो क्या यही फिजिबिलिटी आप बता रहे हैं? क्या इस फिजिबिलिटी से आपने ट्रेन चलाई थी वंदे भारत इन दो रूटों पर और रेलवे का भट्टा बैठा रहे हैं आप वंदे भारत एक्सप्रेस चला करके, और जहाँ यात्री हैं, जहाँ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ पर आप ट्रेन नहीं दे रहे हैं? क्या यही है रेलवे की? और देखिए, बिहार में एकमात्र ट्रेन जो है रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई, खूब भा रही है लोगों को, हर दिन 90% सीटें फुल हो रही हैं। आप ये बताइए, जहाँ पर फ़ायदा है वहाँ पर आप ट्रेन नहीं चला रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ ट्रेन चला रहे हैं? तो ये फिजिबिलिटी है, ये रेलवे की दूरदर्शिता है, रेलवे को घाटा पहुँचा रहे हैं और संसद में आप बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सांसद को, ये अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय को इस तरह से चला रहे हैं, और ये पूरी तरह से दिखाता है कि किस तरह से उनका नज़रिया है बिहार और मिथिला के प्रति, और ये किस तरह से गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और वंदे भारत एक्सप्रेस को, वो ट्रेन क्रीम ट्रेन है, जो ट्रेनें फ़ायदे में जा सकती हैं अगर उसको सही तरीके से रूट को वो तय किया जाए, लेकिन ये जहाँ कमाना है वहाँ कमा नहीं रहे हैं, जहाँ गंवाना है वहाँ गंवा रहे हैं। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि रेलवे का की मंशा क्या है और रेलवे किस रेल मंत्री किस तरह से संसद में बेवकूफ़ बना रहे हैं सांसद को, या सांसद को पता नहीं है, या पता भी होगा तो क्या कहें, उन्हीं के पार्टी के हैं, उन्हीं के नेता हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इससे यही लग रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, जो मौजूदा जो ट्रैक है बना है नया, फारबिसगंज जोगबनी दरभंगा पटना, और उसमें ट्रेन अप्रूवल भी हुआ, वही ट्रेन नहीं चल रही है। पैसेंजर ट्रेन ही बढ़ा दें, अगर पैसेंजर ट्रेन ही चला दें, झंझारपुर दरभंगा के बीच में एक ट्रेन है, वो एक्सटेंड होना है फारबिसगंज तक उसे, या ललितग्राम तक उसे, वहाँ तक एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। सहरसा से फारबिसगंज ट्रेन चलनी है, वो नहीं चलाई जा रही है। सहरसा से जोगबनी ट्रेन चलनी है, वो नहीं चलाई जा रही है, ट्रैक खाली है, ट्रैक बिल्कुल तैयार है, रेलवे जो है वहाँ का जोन या वहाँ के डिवीज़न वो तैयार है ट्रेन चलाने के लिए। तो वंदे भारत एक्सप्रेस तो दूर की बात है, जो नॉर्मल ट्रेन है, जो ज़रूरत की ट्रेनें हैं, वो नहीं दी जा रही हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो एकमात्र दी गई बिहार को, वो तो सुपरहिट साबित हुई रांची और पटना वाली। सोचिए, अगर दरभंगा से चले ये ट्रेन या फिर ये मुजफ्फरपुर के रास्ते से चले ये ट्रेन, तो कितनी हिट होगी। आपको बता दें कि एक वक्त था जब प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात हो रही थी, तो दरभंगा को भी चुना गया था, दरभंगा मुंबई रूट चुना गया था, दरभंगा दिल्ली रूट चुना गया था। तो बगैर फिजिबिलिटी के तो नहीं है, यहाँ से यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक ट्रेन भर के जाती है, इतना यहाँ पर मांग है लोगों की, और सबसे ज़्यादा यात्रा लोग करते हैं तो बिहार से ही करते हैं, बिहार के लोग ही ज़्यादा बाहर रहते हैं, मिथिला के लोग ही ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो वो तो हाथों हाथ ले लेंगे इस ट्रेन को, लेकिन ये ना तो रेल मंत्रालय समझने को तैयार है, ना रेल मंत्री समझने को तैयार हैं, पता नहीं किस अधिकारी की बात सुन रहे हैं। और वो फिजिबिलिटी जो बता रहे हैं, वो फिजिबिलिटी क्या है, ये गोरखपुर और गोवा और गोरखपुर लखनऊ और गोवा और मुंबई रूट पर तो साफ साफ नज़र आ रहा है, किस तरह से आप वंदे भारत का भट्टा बैठा रहे हैं, चौपट कर रहे हैं इस अच्छी खासी ट्रेन को। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रहो, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।